कार्स एक स्पोर्ट्स एनिमेटेड मूवी है जो 2006 में रिलीज हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट में कार रेसिंग दिखाई जाती है जिसमें मूवी की लीड कार यानी लाइटनिंग मैक्वीन भी पार्टिसिपेट करती है। ये कार काफी फास्ट होती है और बाकी कार्स को भी बहुत पसंद थी। मैक्वीन काफी अच्छी तरह रेसिंग कर रहा था। अब बारी थी जब सभी कार्स को अपने टायर्स चेंज करवाने थे, मगर मैक्वीन ऐसा नहीं करता और पूरी रेस को बगैर टायर्स के चेंज करवाए फिनिश करने का सोचता है। मगर कुछ देर बाद उसके टायर्स में आग लग जाती है। वो काफी कोशिश करता है मगर उसके टायर्स खराब होने की वजह से वो स्लो हो जाता है और 3 कार्स एक साथ रेस को फिनिश करते हैं। इसीलिए एक टाई ब्रेकर रेस रखी जाती है। ये रेस एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया में कैजुअल की जाती है। मैक्वीन के पास उसकी टीम आती है जो उसे बोलती है कि तुम्हें अपने टायर्स को चेंज करवाना चाहिए था, मगर मैक्वीन को अपने आप पर बहुत प्राउड था इसलिए वो अपनी टीम से काफी रूड बिहेव करता है। ये देखकर उसकी टीम उसे छोड़ देती है। मैक्वीन को रस्ट ईस्ट की तरफ से स्पॉन्सर मिलता है और वो उसे कम्प्लीट करके अपने ट्रक में कैलिफोर्निया की तरफ निकलता है, क्योंकि जो कार सबसे पहले वहां पहुंचेगी उसे ट्रैक पर प्रैक्टिस का चांस मिलेगा ताकि वो पिस्टन कप को जीत पाए। रास्ते में ट्रक मैक्वीन को समझाता है कि तुम्हें रेस जीतने के लिए अच्छी टीम चाहिए जिसे तुमने खो दी है। मैक्वीन उसे इग्नोर करता है और जल्दी कैलिफोर्निया जाने का बोलता है। कहता है कि मुझे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है क्योंकि रास्ता काफी लंबा है, मगर मैक्वीन उसे मना कर देता है और रात में ट्रक को नींद आ जाती है। इतने में वहाँ कुछ कार्स उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं। उनके ऐसा करने की वजह से मैक्वीन ट्रक से बाहर आ जाता है और जब उसे जाग आती है तो वो देखता है कि यहाँ काफी सारे ट्रक्स हैं। वो अपने ट्रक को ढूंढने लगता है और काफी तेज कार ड्राइव करता है, मगर उसे अपना ट्रक नहीं मिलता और उल्टा उसके पीछे टाउन की पुलिस लग जाती है। वो पुलिस से बचने के लिए भागता है और कई चीजों से टकरा जाता है। काफी कोशिश के बाद भी वो पकड़ा जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब सभी ट्रक्स कैलिफोर्निया पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैक्वीन मिसिंग है। दूसरी तरफ मैक्वीन को एक ट्रक जिसका नाम मेटर होता है वो उसे कोर्ट में लेकर जाता है, जहाँ पर जज हर्सन मैक्वीन को बोलते हैं कि तुमने हमारे टाउन की रोड खराब की है, अब उसे ठीक कौन करेगा। मैक्वीन कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा रेसर हूँ, आप मुझे बस मेरी रेस में जाने दे, मैं ये सब कुछ पे कर दूंगा। वहाँ पर एक फीमेल कार सैली आती है जो हर्सन को कहती है कि मैक्वीन ने रोड खराब की है, अगर यही रोड रिपेयर करेगा तो हम उसे जाने देंगे। मैक्वीन ये सुनकर घबरा जाता है और जब उसे मेटर अनलॉक करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो भाग गया, मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद मैक्वीन का फ्यूल खत्म हो जाता है और पुलिस उसे दोबारा वापस ले आती है। मैक्वीन ना चाहते हुए भी रोड रिपेयर करने लगता है और उसे बस रेस में जाने की जल्दी थी इसीलिए वो काफी बुरा रोड बनाता है। वो हर्सन को बोलता है कि तुम्हारा रोड बन गया है, अब मुझे यहाँ से जाने दो। वो मैक्वीन को दोबारा से अच्छा रोड बनाने का बोलता है, मगर मैक्वीन उसे कहता है कि मैं एक रेसिंग कार हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो हर्सन उसे अपने साथ रेस का बोलता है, जो इस रेस को हारेगा वही रोड रिपेयर करेगा। देन रेस स्टार्ट होती है और मैक्वीन टूटे रोड पर कार नहीं चला पाता क्योंकि उसने हमेशा रेसिंग ट्रैक पर ही रेस की थी, इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फंस जाता है। अब उसे दोबारा रोड बनाना पड़ता है। वो बोलता है कि मैं कहाँ का रेसर हूँ, मुझे तो एक टर्न भी नहीं लेना आता। तभी बाकी की कार समझ जाती है कि हर्सन का ट्रैप था। नेक्स्ट डे बाकी कार्स देखती है कि मैक्वीन ने काफी अच्छा रोड बनाया है, मगर वो अभी भी इनकम्प्लीट था। वो कार्स मैक्वीन को टूटे रोड पर प्रैक्टिस करता देखती है, जहाँ पर हर्सन उसे बोलता है कि यहाँ रेस करने का तरीका डिफरेंट है, अगर तुम्हें राइट टर्न करना है तो पहले थोड़ा सा लेफ्ट टर्न करो। ये सुनकर मैक्वीन बिलीव नहीं करता और दोबारा ट्राई करने पर वापस गिर जाता है। देन मैक्वीन टाउन में अपने काफी फ्रेंड्स बना लेता है जो उसकी हेल्प करते हैं। मेटर मैक्वीन को रात में अपने साथ एक फील्ड लेकर जाता है जहाँ काफी सारे ट्रक्स थे। मीटर बोलते हैं कि अगर इनके सामने हॉर्न बजाओ तो ये नीचे गिर जाती हैं। वो उसे ऐसा करके भी दिखाता है। जब मैक्वीन उसे ट्राई करता है तो सभी ट्रक्स गिर जाते हैं क्योंकि उसका हॉर्न काफी लाउड था। तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक लग जाता है। वो लोग उनसे बचकर वापस टाउन आ जाते हैं, जहां मीटर मैक्वीन को रिवर्स ड्राइविंग समझाता है, मगर मैक्वीन को ये काफी डिफिकल्ट लगती है। तब वहां सैली आती है जो मैक्वीन को रेस्ट करने के लिए एक रूम देती है और बोलती है कि तुम यहां कभी भी आ सकते हो। नेक्स्ट डे मैक्वीन हर्सन को बोलता है कि आप मुझे जाने दो, मेरी रेस में काफी कम टाइम रह गया है, मगर हर्सन नहीं मानता और उसे वापस रोड बनाने को बोलता है। वहां से जाते हुए मैक्वीन हर्सन के प्राइवेट रूम में पहुंचता है, जहां उसे 3 पिस्टन कप्स नजर आते हैं। वो काफी शोक होता है कि हर्सन एक रेसिंग कार है जिसने रिकॉर्ड बनाया था एक ही सीजन में रेसेस जीतकर। मैक्वीन सभी कार्स को आकर बताता है कि हर्सन एक रेसिंग चैंपियन है, मगर कोई भी उसका यकीन नहीं करता। वो बोलते हैं कि आखिर हर्सन ने रेसिंग क्यों छोड़ दी। तब सैली उसे अपने साथ टाउन घुमाने लेकर जाती है। वो बोलती है कि पहले हमारे टाउन में बहुत सी कार आती थी, मगर बाद में यहाँ एक हाईवे बना दिया गया जिसकी वजह से यहाँ अब कोई नहीं आता और हम अपने कस्टमर्स भी नहीं ढूंढ पाते। मैक्वीन को ये जगह काफी अच्छी लगती है और वो इसे वापस से ठीक करने का सोचता है ताकि यहाँ पर और भी कार्स आएं। वापस जाते हुए मैक्वीन को हर्सन नजर आता है जो रेस कर रहा था। मैक्वीन उसकी ड्राइविंग स्किल्स देखकर काफी शॉक होता है और उसे बोलता है कि आप मुझे भी सिखाओ, लेकिन हर्सन वहाँ से जाने लगता है, जिससे वो हर्सन को कहता है कि आपने अब रेस क्यों छोड़ दी। तो हर्सन उसे बोलता है कि मेरा काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं रिपेयर हुआ तो दोबारा रेस के लिए गया, मगर मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया क्योंकि मैं एक रिपेयर्ड कार था, मेरे पिस्टन कप्स भी मेरे काम नहीं आए। ये सुनकर मैक्वीन सोचता है कि इतने बड़े कप को जीतकर भी क्या फायदा जब किसी रेसर को कोई समझ ही ना पाए। नेक्स्ट डे मैक्वीन
अपना रोड कंप्लीट कर लेते हैं और एज अ कस्टमर वहाँ की शॉप से अपनी कार मॉडिफाई करवाता है। वो अपनी कार के टायर्स और पेंट भी चेंज करवाता है। जब मैक्वीन वापस आता है तो वहाँ काफी सारी मीडिया कार्स आई होती है जो मैक्वीन को बोलती है कि आप कहाँ थे। वो उसे जल्दी कैलिफोर्निया पहुँचने को बोलती है। मैक्वीन अपसेट होकर वहाँ से चले जाता है। देन हमें रेसिंग ट्रैक दिखाया जाता है जहाँ तीनों कार्स में रेस होनी थी, जिसमें ग्रीन कार काफी बुरी थी। वो ये रेस हर हाल में जीतना चाहती थी, इसीलिए वो चीटिंग भी करती है। दूसरी तरफ मैक्वीन के पास कोई भी टीम नहीं थी और ना ही उसके पास कोई सपोर्टर था, इसीलिए वो रेस जीतने में काफी मुश्किल फेस करता है। मैक्वीन रेस को हारने ही वाला था, मगर तब वहाँ हडसन मैक्वीन का कोच बन जाता है जो उसे गाइड करने लगता है। मैक्वीन ये देखकर अपनी रेस को फुल अटेंशन से स्टार्ट कर देता है कि उसके टाउन की कार्स उसे सपोर्ट करने के लिए आई है। मैक्वीन काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इस बार वो सबसे पहले टायर्स चेंज करवाता है। वो अपने लैप्स को फास्टली कम्प्लीट करने लगता है। मैक्वीन को ग्रीन कार रेस के दौरान पुश करती है, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हो जाता है और हडसन का रूल फॉलो करता है, जिससे वो वापस रेस में आ जाता है। ये देखकर ग्रीन कार उसे अगेन पुश करती है, मगर मैक्वीन अपने टाउन से काफी कुछ सीख कर आया था। वो मीटर की रिवर्स ड्राइविंग ट्रिक फॉलो करता है और सबसे आगे निकल जाता है। उसके पीछे ब्लू कार होती है, जिसे ग्रीन कार बहुत बुरी तरह पुश करती है। वो कार काफी डैमेज हो जाती है। मैक्वीन रेस फिनिश करने ही वाला था, मगर वो रुक जाता है और ब्लू कार के पास जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये कार भी हडसन की तरह डीमोटिवेट हो। इसीलिए वो उस कार की रेस कंप्लीट करवाता है और सभी कार्स मैक्वीन को देखकर काफी खुश होती है कि ये कितना अच्छा है। इस वजह से मैक्वीन के फैंस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रीन कार पिस्टन कप को जीत जाती है, मगर उसे कोई भी अटेंशन नहीं देता। सब कार्स मैक्वीन को सपोर्ट कर रही थी। अब मैक्वीन को उसकी ड्रीम कंपनी स्पॉन्सर करती है, मगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता है कि मैं रस्ट ईज के साथ ही काम करूंगा। इसके बाद मैक्वीन सैली से मिलता है और इसी टाउन में रहने का बोलता है, क्योंकि सैली चाहती थी कि यहाँ दोबारा से ज्यादा कार्स आने लगे। देन लास्ट में हम देखते हैं कि मैक्वीन की वजह से यहाँ दोबारा से बहुत सारी कार्स आने लगी हैं और इस टाउन के सभी लोग बहुत खुश हैं। और इसी के साथ ये मूवीज यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट, देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। सो गुड बाय अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।